हाय एवरीवन कैसे हैं आप सब तो मैं हूँ पायल और आप सबका स्वागत है मेरे किचन में बीइंग मारवाड़ी हमारे घर में हर दूसरे से तीसरे दिन कड़ी जरूर बनती है लेकिन प्लेन कड़ी कौन खाना चाहता है तो इसीलिए मैं अपनी मम्मी की तरह डिफरेंट डिफरेंट डिफरें टाइप की कड़ी बनाना प्रेफर करती हूँ उसी में से एक है मंगोड़ी की कड़ी जो की आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अगर आप राजस्थानी फ्लेवर को मारवाड़ी फ्लेवर को पसंद करते हैं तो ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए अगर आपको नहीं पता कि मंगोड़ी क्या होती है और कैसे बनती है तो मंगोड़ी बनाने की विधि की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोडेड है आप जाकर चेक कर सकते हैं या आजकल आपको मार्केट में भी मंगोड़ी बहुत ईजिली मिल जाती हैं या फिर आप ऑनलाइन भी इसे चेक कर सकते हैं बहुत ही इजीली अवेलेबल है तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ये ऑथेंटिक मारवाड़ी रेसिपी जो कि है मंगोड़ी की कड़ी की रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक पैन में मंगोड़ी ले लेंगे आधा कप और इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे दूसरी तरफ हम बढ़ाएंगे कड़ी का घोल इसके लिए मैंने लिया है दही इसके अंदर डाला है बेसन नमक स्वाद अनुसार धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर जितना आप दही लेंगे उसी हिसाब से आप मसाले ऐड करें और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्ब ना रहे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे दो ग्लास पानी तो देखिए यहाँ पर मंगोड़ी जो है रोस्ट हो चुकी है इसे हम किसी भी भारी चीज़ से कूट लेंगे आप चकले के ऊपर बेलन से भी कूट सकते हैं पर मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ बिल्कुल ना करें तो चलिए कड़ी बनाना शुरू करते हैं पैन में मैंने लिया है सरसों का तेल इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधी टी स्पून ज़ीरा एक टी मैंने यहाँ राई ली है आधी टी स्पून के करीब ही मैंने हींग लिया है और अब ये जो घोल हमने तैयार कर रखा था कड़ी का ये डालकर हम इसे लगातार चलाते रहेंगे लगातार चलाने का रीज़न ये है कि हमने ऑलरेडी नमक इसमें ऐड कर दिया है जिसकी वजह से अगर हम नहीं चलाएंगे तो दही फट सकता है तो चलिए इसे उबाल आने तक हमें चलाना है जैसे ही बॉयल आना शुरू हो जाए इसके अंदर हम ऐड कर देंगे रोस्टेड मंगूड़ी और इसे हम बॉयल आने देंगे दस से बारह मिनट लगेंगे पंद्रह मिनट भी लग सकते हैं लेकिन इसे अच्छे से आपको पकाना है क्योंकि ये जो मंगोड़ी है ये अच्छे से पकनी बहुत ज़रूरी है जब तक ये अच्छे से हाथ से ऐसे लेकर आप जब इसे तोड़े तो ये ऐसे टूटे ना तब तक आपको पकाते रहना है तो मैंने यहाँ कुल पंद्रह मिनट जो है इस कढ़ी को उबालने दिया है तो आप कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे इसके लिए मैंने बॉइल्ड पानी का यूज़ किया है आप कड़ी को जितना गाढ़ा जितना पतला रखना चाहें रखें लेकिन इसके अंदर जब भी पानी ऐड करें आप उबलता हुआ ही करें और बस अब हम इसे दो से तीन मिनट और बॉईल कर लेंगे ताकि ये जो पानी है वो कड़ी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए आप इस स्टेज पर भी गर्मा गर्म इस कड़ी को सर्व कर सकते हैं लेकिन मुझे इस पर ऊपर से अलग से तड़का लगाना अच्छा लगता है तो मैं इस पर तड़का लगा रही हूँ इसके लिए मैंने लिया है घी घी के अंदर मैं डाल रही हूँ दो से तीन लाल मिर्च सूखी हुई और अब मैं इसके अंदर डालूँगी कसूरी मेथी जो कि है एक टीस्पून के करीब और आधी टीस्पून के करीब ये कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करी है मैंने इसमें तीखा पर नहीं होता लेकिन अगर आपको तीखा पसंद है तो बारीक कटी हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों का यूज़ कर सकते हैं तो ये देखिए मैंने तड़का लगा दिया है और ऊपर से हम डालेंगे हरा धनिया गर्मा गर्म हमारी कढ़ी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए इसे आप गर्मा गर्म फलकों के साथ आप इसे सर्व करें यकीन मानिए जो लोग दो रोटी खाते हैं वो चार खाएंगे और ये जो रेसिपी है ये आपके लिए मस्त ट्राई बन जाएगी हमेशा के लिए तो अगर आप अपने मेहमानों को इम्प्रेस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ अलग बनाया जाए तो ये रेसिपी आपके लिए ही है तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर आपको रेसिपी में ज़रा सा भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख कर लाइक ज़रूर करें चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें अपने एक्सपीरियंस मुझे कॉमेंट के थ्रू ज़रूर बताए अगली बार फिर मिलूँगी तब तक के लिए बाय बाय